आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है कि हम लोग के पास दो लेंसेज है, एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है। वो हम लोग पहले x डिस्टेंस d से सेपरेट करके रखा था, राइट। पहले हम लोग रखा था ऐसे कॉन्वेक्स लेंस है और ऐसे कॉनकेव लेंस है, और उसके बीच क्या है कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस है, उसके बीच क्या है एक डी डिस्टेंस है, ऐसे हम लोग रखा था। और इसको हम लोग कैसे लेकर आया, इसका हम लोग क्या है साथ में लेकर आया वो प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। तो हम लोग को पूछ रहे कि ये कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ और ये कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ, ये कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कैसे इससे कंपेयर करेगा, कैसे इससे ज्यादा होगा ये कम होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो ये जो केस में अगर हम लोग फोकल लेंथ देख रहे हैं तो वी नो इधर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फोकल लेंथ कितना होगा, 1/फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंस प्लस 1/फोकल लेंथ ऑफ द सेकंड लेंस माइनस वो क्या है हम लोग डी डिस्टेंस सेपरेट कर कर के उससे, देयरफॉर माइनस डी डिवाइडेड बाय f1 f2, माइनस डी डिवाइडेड बाय f1 f2, राइट। ये जो डिस्टेंस डी है वो अगर ये दोनों लेंस के बीच डिस्टेंस डी है तो क्या हो जाएगा उसका टोटल फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का 1/fc इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी डिवाइड बाय f1 f2। अभी हम लोग ये केस में देखते हैं, इधर हम लोग क्या किया है, ये डी इज इक्वल टू 0, इन दिस केस डी इज इक्वल टू 0, दोनों क्या है क्लोज है, क्लोज। सो इन दिस केस में क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, दैट इज पावर इज इक्वल टू, फोकल पावर इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 प्लस 1/f2, राइट। तो ये हम लोग अगर देखेंगे तो इधर क्या है हम लोग एक पॉजिटिव क्वांटिटी क्या है इधर से माइनस कर रहे, राइट। देयरफॉर ये केस, ये अगर हम लोग fc1 अगर ले रहे और ये fc2 अगर ले रहे, तो ये केस में अगर हम लोग देखेंगे तो 1/fc का वैल्यू क्या होगा, 1/fc1 विल बी ग्रेटर देन 1/fc2। 1/fc1 जो है वो क्या है, 1/fc2 क्या है लेसर है, राइट। क्योंकि हम लोग इधर एक पॉजिटिव क्वांटिटी d/f1 f2 क्या है, ये है 1/fc2, राइट। तो हम लोग इधर से अगर लिख सकते हैं जस्ट फॉर क्लैरिटी वी कैन राइट 1/fc1 इज इक्वल टू 1/fc2 माइनस d डिवाइडेड बाय f1 f2। तो 1/fc1 क्या है, इट इज नथिंग बट फोकल पावर, राइट, एंड 1/fc2 इज द फोकल पावर ऑफ द सेकेंड कॉम्बिनेशन। तो इधर से हम लोग को साफ पता चल रहा है कि फोकल पावर ऑफ द सेकेंड कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन फोकल पावर ऑफ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। फोकल पावर ऑफ द सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या है, फोकल पावर ऑफ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन से ग्रेटर है, क्योंकि फोकल पावर जो है 1/fc2 जो है उससे एक वैल्यू माइनस कर रहे तो हम लोग को फोकल पावर ऑफ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन मिलते हैं। तो फोकल पावर जो है वो ज्यादा है, मतलब क्या होगा फोकल लेंथ, सिंस फोकल पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, फोकस पावर जो है वो क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ है। देयरफॉर वी कैन से ये कंडीशन से हम लोग बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ द सेकेंड कॉम्बिनेशन fc2 इज लेस देन फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन fc1, राइट। fc2 विल बी लेस देन fc2, देयरफॉर क्या हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन जो है विल डिक्रीज व्हेन वी प्लेस द टू लेंसेज इन क्लोज कॉन्टैक्ट। देयरफॉर कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन सी विल डिक्रीज इज द राइट चॉइस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।